आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी घेवर बनाने का एकदम आसान और परफेक्ट तरीका, जिससे पहली बार में ही आपका घेवर परफेक्ट बनेगा कम मेहनत में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच मेल्टेड घी। तो यहाँ पर मैंने घी को जो है पहले ही मेल्ट करके ले लिया है। इसे एक बड़े से बाउल में मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। हाथ से चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और घी जमने की फॉर्म में आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि घी हमारा इस तरीके से दानेदार टेक्सचर का बन गया है। अब जो हमारे आइस क्यूब हैं इनको हम निकाल देंगे। तो आइस क्यूब को भी हम निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो भी हम निकाल देंगे। अब इसे हमें फेंटना है। तो एक ही डायरेक्शन में तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हम फेंट लेंगे। और देखिए घी जो है ना वो इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ गया है, एकदम मक्खन की तरह। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे मैंने फेंट लिया है। हाथ से थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन रिजल्ट जो है ना वो बहुत बढ़िया आता है। तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे। तो डालकर इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर 2-3 बैचेस में इस मैदे को हम डाल देंगे। और बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 कप मैदे के हिसाब से 2 चम्मच में इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन से एकदम जालीदार टेक्सचर का हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो मिक्स कर लेंगे पहले से। अब 1 कप फ्रिज का मैंने ठंडा दूध लिया है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। इस दूध को एकदम चिल रही है तो इसको भी हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से डालना है थोड़ा थोड़ा। तो बाकी का दूध भी मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सर गाढ़ा है। अब 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी लिया है, इसे हम डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मिक्सर है इसे हमें छानना है, जिससे इसमें जो भी मैदे की गुठली वगैरह है ना वो छन कर निकल जाएगी और हमें एकदम स्मूथ बैटर मिलेगा। तो बैटर के ऊपर एक छलनी रखी है मैंने बाउल के ऊपर, तो इसे हम छान लेंगे। तो इसे हमने छान लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ बैटर हमारा बना है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। अब इसमें हम आधे नींबू का जूस डालेंगे। तो इसको भी हम छान कर डाल लेंगे। जूस डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे घेवर का जो टेस्ट है वो एकदम हलवाई के घेवर जैसा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस एक बार इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब बैटर यहाँ पर ठंडा बना रहे उसके लिए आप इसे 10 मिनट के लिए या तो फ्रीजर में रख दें, या फिर मैंने इस तरीके का एक बर्फ़ वाला बाउल लिया है, इसी पर हम अपना ये बैटर वाला जो बाउल है वो रख देंगे। अब बैटर की कंसिस्टेंसी अगर आपको पता ना चले तो आप क्या करें, चम्मच से इस तरीके से आप बैटर की जो चम्मच से बैटर को देखें, जो कोटिंग है इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक पतली सी कोटिंग इस पर बन रही है। अब घेवर को बनाने के लिए मैं किसी सांचे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सीधा भिगोने में हम इसको बना रहे हैं। हाई फ्लेम पर हमने घी को गर्म कर लिया है और घी एकदम गर्म है और बैटर एकदम ठंडा। तो चम्मच से बैटर को हम ऊंचाई से थोड़ा थोड़ा सेंटर में डालेंगे। घी गर्म है इसलिए केयरफुली बैटर को डालें, ऊपर से डालना है
जिससे कि एकदम बढ़िया जालीदार घेवर हमारा बनकर तैयार होगा। तो 10 से 15 बार में आपको ये बैटर डालना है, 10 से 15 बैचेस में, और सेंटर में डालते रहे। बीच में इस तरीके से आप होल कर ले किसी भी बेलन या फिर मथने से। थोड़ा थोड़ा घी जो है हम साइडों में भी डालेंगे ताकि ऊपर की तरफ भी अच्छा ब्राउन कलर आ जाए। और देखिए जैसे ये ब्राउन हो जाता है, चाकू से आप इसके किनारे छुटा ले। जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक आप इसको टच ना करें। जैसे ही सेट हो जाए उसके बाद ही आप इसको इस तरीके से चाकू से इसके किनारे छुटा ले। और किनारे छुटाकर इस तरीके से घी में आप इसको डिप कर दें अंदर की तरफ, ताकि प्रॉपर कलर ऊपर से भी आ जाए। और ये देखिए घेवर हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया से ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम किसी भी जाली स्टैंड पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा घी या ऑयल इसका निकल जाए। घेवर को आप घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा घेवर भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ऊंचाई से थोड़ा थोड़ा बैटर हम डालेंगे, तो इसे भी सेम तरीके से हमें सेकना है। और ये देखिए अंदर की तरफ बस इस तरीके से टिप कर दे। और 1 कप मैदे से हमारे यहाँ पर 3 घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार घेवर बने हैं। अब घेवर के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। पैन में 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी से 1/2 पानी डालेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर दिया है, चीनी को मेल्ट होने देंगे। 5-7 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक पतली सी तार इसमें बननी चाहिए, तो इसको हम लगातार चलाते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बस इसको हम चेक करेंगे। तो आपने देखा कि अभी इसमें कोई भी तार नहीं बनी है। 1 मिनट के लिए और चलाएंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने और इसको चला लिया है। अब दोबारा चेक करेंगे और एक हल्की सी तार इसमें बन रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं एक हल्की सी तार बन रही है, बस इतना ही हमें चाहिए। अब फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये चाशनी हमारी तैयार है। नीचे उतार कर ठंडा करके इसे एक बाउल में कर लेंगे हम। अब रबड़ी के लिए पैन में 1/2 कप मिल्क पाउडर लेंगे। थोड़ा सा दूध डालकर पहले इसके हम लम्स ख़त्म कर लेंगे। तो दूध मैंने थोड़ा ही डाला है, अभी इसके हम लम्स ख़त्म करेंगे। अब बाकी का दूध भी ऐड कर लेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। हाई फ्लेम पर इसको हम गैस पर रख देंगे, हाई फ्लेम करके, और इसको चलाएंगे ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। आप चाहे तो मिल्क पाउडर ना लेकर दूध से भी रबड़ी को बना सकते हैं। अब साइडों में से भी मलाई को निकाल कर हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें अपने हिसाब से आप मीठा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो 3 चम्मच चीनी हमने डाल दी है, साथ ही इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये रबड़ी तैयार है। ऐसी ही रबड़ी हमें घेवर के लिए चाहिए। तो बस इसे ठंडी होने देंगे। ठंडी होने पर थोड़ी और ठीक हो जाएगी। अब घेवर को हम जाली के ऊपर रखकर इस पर चाशनी डालेंगे। 5 से 6 चम्मच चाशनी हम डाल देंगे। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि घेवर जो है मीठा ही अच्छा लगता है। तो दूसरा घेवर भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पर भी चाशनी डाल देंगे। जितने घेवर आप असेंबल करना चाहें उतने पर ही चाशनी डालें। अब इस पर हम अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर रबड़ी हमने लगा दी है और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी हम इस पर लगा देंगे। बादाम लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप काजू भी इस पर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे।
और यहाँ पर हमारा लाजवाब घेवर बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट जालीदार घेवर हमारा बना है। तो ये आसान सी रेसिपी आपको घेवर की कैसी लगी कमेंट कर